यही बताया कभी इनके साथ में ऐसे से जुलम हुआ है ना, बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, इनकी गाड़ी वगैरह काट दी गई है। ये उन्होंने बताया एक निहत्ते आदमी पे, एक बुजुर्ग आदमी पे अगर अत्याचार करा जा रहा है और उससे ये कहा जा रहा है कभी तू जय श्री राम बोल या बंदे मातरम बोल या तेरे ऊपर पेशाब करा जा रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। जान बचाने के लिए आदमी कुछ भी बोल सकता है। पड़ी उसमें एक ऑडियो चल रही है, उसमें एक गाना चल रहा है, उसमें उनकी बात को नहीं सुन सकते। अगर वो गाना खत्म होता तो उनकी बात हमारे और आपके पल्ले पड़ती। लोनी में मारपीट की वारदात का शिकार होने वाले बुलंदशहर के अनूपशहर निवासी अब्दुल समद सैफी के परिजन हुए मोहल्ले वासियों का दावा है कि अब्दुल समद तावीज का काम नहीं करते थे। पिटाई की वीडियो व दर्ज FIR में जय श्री राम बुलवाने की बात को लेकर परिजनों का दावा है कि पिटाई के वीडियो में गाना चल रहा है, इसीलिए जय श्री राम बुलवाने की आवाज नहीं आ रही। हालांकि स्थानीय लोग यह भी मानते हैं कि ये सब धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश हो सकती है। बड़ी बात यह है कि समद का पुत्र तैयब ये बोल बैठा कि घटना के बाद लोनी के सपा नेता उम्मेद पहलवान इदरीश उनकी मदद कर रहे हैं। तैयब सैफी है, उसका बब्बू सैफी। जब ये 5 तारीख में घटना घटी है, 5 ही तारीख में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई थी, इतला आ गई थी। हमारे रिश्तेदारों ने हमारे पास फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है, आप लोग परेशान ना हो, घर में किसी को बताना नहीं। मैंने ये बात अपने घर में 7 तारीख में बताई है। क्या घटना बताई थी उन्होंने, किस तरह से घटना? उन्होंने यही बताया कि भाई इनके साथ में ऐसे ऐसे जुलम हुआ है ना, बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, इनकी दाढ़ी वगैरह काट दी गई है। ये उन्होंने बताया। अच्छा, जिस तरह से ये FIR दर्ज हुई है, FIR में मारपीट की और जान से मारने की धमकी दिए जाने का अब्दुल समद जी ने जिक्र किया है, मगर जो एक फेसबुक लाइव हुआ है जो सपा के लोनी के एक नेता के साथ किया गया, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे साथ मुझे मारते वक्त जय श्री राम जबरन कहलवाया गया, मुझे जो है वंदे मातरम कहलवाया गया, और इसके अलावा जो है पानी की जगह पेशाब मेरे सामने कर दिया गया। तो ये क्या मानते हैं कि इस तरह की जो बातें सामने आ रही है फेसबुक लाइव जो हुआ, क्या कहीं देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाने की दृष्टि से ये हुआ? तो ये जो बात है, एक निहत्ते आदमी पे, एक बुजुर्ग आदमी पे अगर अत्याचार करा जा रहा है और उससे ये कहा जा रहा है कभी तू जय श्री राम बोल या बंदे मातरम बोल या तेरे ऊपर पेशाब करा जा रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। जान बचाने के लिए आदमी कुछ भी बोल सकता है। मारपीट का जो वीडियो है उसमें इस तरह की कुछ भी चीज़ सुनाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि उसमें सुनाई उसमें सुनाई यूँ नहीं पड़ रही। उसमें एक ऑडियो चल रही है, उसमें एक गाना चल रहा है, उसमें उनकी बात को नहीं सुन सकते। अगर वो गाना ख़त्म होता तो उनकी बात हमारे और आपके पल्ले पड़ती, क्योंकि उसमें वो गाना लगा हुआ, उनकी बात पल्ले नहीं दिख रही। उसमें केवल वो हरकत दिख रही है जो वो लोग कर रहे हैं, डंडा भी दिख रहा है, रिवॉल्वर भी दिख रही है, और चांटे भी दिख रहे हैं, मारने वाले भी दिख रहे हैं, सारी चीज़ उस वीडियो में दिख रही है। हमारा अपना मानना यह है कि हमारे साथ देश के सभी लोग हैं, सभी समाज है, और सारे समाज से और सारे देशवासियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो घटना मेरे साथ गुजरी है वो उनके साथ ना गुजरे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ अपनी सरकार से भी और अपने देशवासियों से भी कि भाई ये घटना मेरे साथ जो गुजर रही है, इस घटना में मेरे साथ रहें और अपने बुजुर्गों की इज्जत करें और अपने बुजुर्गों को बचाएं, क्या ताकि आगे चल के किसी को ये गलत मैसेज ना मिले कि आज मेरे साथ हुआ कल को किसी दूसरे के साथ हो। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। ये जो घटना घटी है वो लोनी में घटी है, गाजियाबाद में। हम अनूपशहर में रहते हैं और ये हमारे पड़ोसी भी हैं, और जी पड़ोसी होने के नाते जो इन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अनूपशहर के लिहाज से हम कह रहे हैं कि तावीज़ गंदे नहीं करते। ये बुज़ुर्ग तो हैं ही, 72 साल के। इनके जो बेटे हैं तैयब सैफी और एक वसीम सैफी, ये दोनों कारपेंटर का काम करते हैं, पहले ये भी काम करते थे। अब जब ये इनके बेटे कामयाब हो गए, इन्होंने कहा भाई अब बालिश साहब आप आराम से रहा करो, काम हम करेंगे। लगता है उन लोगों की मानसिकता हो ये, उन लोगों की जिन लोगों ने इनके साथ ये घटना घटी है, हो सकता है उन लोगों की मानसिकता हो ऐसी। लेकिन हमारे अनूपशहर कस्बे के अंदर 38 साल की एज आज हमारी हो गई, हमारे अनूपशहर के अंदर कभी ऐसा भेदभाव ना था और ना हो और ना होगा। हम ये भागी घटना है भाई, वहाँ लोग जाने क्या मानसिकता है। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज मेवाती है, मैं अनूपशहर मोहल्ला मीरा से हूँ। अब्दुल समद साहब को काफ़ी समय से जानते हैं हम, जब से हमने वो संभाला, जब से इन्हीं के बच्चों के साथ खेले हैं, बड़े हुए हैं, यहीं रहे हैं मोहल्ले में, तो मोहल्ले में तो सबको जानते ही हैं। किस तरह का काम करते हैं ये? कारपेंटर का काम करते थे शुरू से ही। इसमें सच्चाई ये है कि
जब उनके ऊपर आरोप लगा है मारने पीटने का, वो तो क्लियर है, वीडियो सबको दिख रहा है, लेकिन अब उसमें वो कुछ भी कर सकते हैं अपने बचाव के लिए, कोई कुछ भी कर सकता है। ये तो आप खुद समझ सकते हैं कि उनकी दाढ़ी काटी गई है, तो इससे अंदाजा लगा लीजिए आप क्या हो सकता है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिस हिसाब से उनको मारा पीटा जा रहा है, वीडियो में देखा जा रहा है कि उनकी दाढ़ी भी काट दी गई है, तो उससे आप अंदाजा क्या लगा सकते हैं। तो यही मानते हैं कि उन लोगों की मानसिकता जो है यही थी कि हिंदू मुस्लिम हो या दंगा हो या जो वारदात को जो दिया है उन्होंने अंजाम, उसके हिसाब से माहौल खराब करने वाली स्थिति उनकी तरफ से। समद के साथ हुई घटना को परिजन भी आपराधिक वारदात मान रहे हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि पिटाई के दौरान हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग मौजूद थे, तो फिर ऐसे में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली बातें कैसे हो सकती हैं, तो इस पर तैयब ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। परिजनों के मुताबिक समद अलीगढ़ के किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।